क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है सीकेंट स्क्वायर ए, माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का सीधा फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब इन्हें हम जो है सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस, तो स्क्वायर आ गया, और कॉसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन, और स्क्वायर एज इट इज आ गया। नाउ ये जो है इसके डिवाइड में है, तो इसलिए जो है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को, अगर ये डिवाइड में है तो इसे ऊपर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होकर और उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बाय कॉस 10 होता है, स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ये आपका डी पार्ट करेक्ट है।